कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए उज्जैन से आए युवाओं और देवास से आए युवाओं में पत्थरबाजी हो गई। विकास नगर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में आज आर्मी की भर्ती की तैयारियों के लेकर उज्जैन से दो बस भरकर आई युवाओं की और यहां पर दौड़कर प्रशिक्षण ले रहे थे, जहां पर तभी देवास से आए युवाओं में से मैदान के अंदर किसी बात को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया था। जैसे ही सभी युवा मैदान से बाहर आए तो उन्होंने पत्थरबाजी चालू कर दी, जिसके बाद डायल 100 भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश दी। लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं ने पथराव जारी रखा था। वहीं जिन बसों में उज्जैन से युवा आए थे उस बस में भी तोड़फोड़ की गई। गौरतलब है कि यहां पर रोजाना काफी भीड़ होती है और कई बार विवाद की स्थिति बनती है। इसके बाद भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। अभी जो ITI ग्राउंड में कुछ पत्थरबाजी की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ITI ग्राउंड में क्या है कि अभी मार्च के अंदर आर्मी की भर्ती होने वाली है, जिसको लेकर जितने भी नौजवान लड़के हैं ये प्रैक्टिस के लिए उज्जैन से आए थे। जो उनके NDA के डायरेक्टर हैं वो प्राइवेट तौर पे उनकी कोचिंग देते हैं और उनको दौड़ने के लिए, क्योंकि इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करके देखना था उनको, इसी ग्राउंड में इनकी भर्ती की जानी है। उस बात को लेकर देवास और उज्जैन के लड़कों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, लेकिन वो आपस में उन्होंने राजीनामा कर लिया, कोई रिपोर्ट करना नहीं चाहते, तो इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, राजीनामा दे के जा चुके हैं। घायल भी हैं सर, कोई बताया जा रहा था? हाँ, जो जिनको थोड़ी बहुत चोट लगी है तो वो बता रहे हैं कि हमारा किसी ने नहीं मारा, गिर गए। ठीक है, क्या न्यूज़ के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट।